नमस्कार, मैं हिंद्रदिन, आपका स्वागत है योर टाइम इन कोलकाता न्यूज में। इंडियन एक्ट्रेस चंद्रिमा दास रिसेंटली कोलकाता में एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ रिसेंटली उन्होंने एक शूट करवाया है। सिर्फ वो खुद नहीं, उनके साथ बेंगोली एक्टर सौरभ दास के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कहा, हम आपको सबसे खास सबसे एक्सक्लूसिव योर टाइम इन न्यूज में दे रहे हैं। अब फिर से कोलकाता में आपको आके आप कैसा लगा ये फर्स्ट? कोलकाता देखो मेरी शहर है तो मुझे ऑलवेज अच्छा ही लगता है कोलकाता में, क्योंकि कहीं पे भी जाओ मैं कोलकाता को कभी भूल नहीं सकती, तो अच्छा ही लगा है बहुत। अभी रिसेंटली आपका कौन सा शूट है, क्या चल रहा है अभी? अभी हम लोग जो फ्लोर पे है सिद्धार्थ ग्रुप की ऑलरेडी शूट चल रहे हैं यहाँ पे, जो फ्लैट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं हूँ ऑलरेडी शूट पे, तो बहुत अच्छा शूट हो रहा है आज। और अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा था एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको पता होगा मेरे जो ऑडियंस है बार बार पूछ रहे थे मैम का इंटरव्यू कब आ रहा है सिंगर, तो दो आगे में आपका रिसेंटली कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है? ये स्नाइपर बोल के एक वेब सीरीज़ है जिसकी फर्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, आई थिंक अराउंड इसी मंथ को हो जाएंगे। तो और भी प्रोजेक्ट्स है जो ऑलरेडी गोइंग ऑन है, तो देखते हैं। वैसे म्यूजिक वीडियो की बात कर रहे थे या उसके बारे में? जी बहुत जल्दी दो म्यूज़िक वीडियो लॉन्च होने वाले हैं, बहुत ही रिसेंट बोल सकती हूँ, अराउंड वन एंड हाफ मंथ में। तो सब सारे अपडेट अभी दे दूँगी तुम्हें, तो बाद में एक्साइटमेंट चले जाएंगे मुझे लगता है। रिसेंटली न्यूज़ सामने आ रही है कि बंगाली प्रोजेक्ट में काम करने वाले थे, उनको लेके क्या अपडेट? सच हाँ सच एकदम है, बिकॉज बंगाली हूँ, बांगाली हुए बांग्ला प्रोजेक्टे खूब तातरी काज करते हबे, और आई थिंक मेरी एक मूवी की बात चल रही है, शायद बंगाली में ही है वो, तो हिंदी की भी एक प्रोजेक्ट है जो शायद अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्टिंग होने वाले, तो प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। शायद मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, बैक टू बैक इतना शूट जा रहे हैं, थोड़ा हेडेक हो रहा है, तो सी लेट। वैसे अगर मैं, आपने कहा कि बंगाली, इसी तरह भी रिसेंटली कौन सा बंगाली मूवी देखा और हिंदी कौन सी देखी? बंगाली मूवी जस्ट अभी मैंने देखा मिसेस चैटर्जी, आई थिंक वो हिंदी में है और बंगाली में, बंगाली कल्चर क्या है शायद उस मूवी में पूरी दिखा है और मुझे बहुत पसंद आया, तो बंगाली और हिंदी मिक्स बोल के मैंने यही मूवी देखा। अगर योर टाइम भी कोलकाता न्यूज़ का ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज मेरी सारे न्यूज़ तुम कवर करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली कोलकाता में होके भी कोलकाता में बंगाली और हिंदी दोनों प्रोजेक्ट की सारे न्यूज़ अगर कोई चैनल कवर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बेस्ट विशेस, तुम और भी आगे जाओ, चैनल बहुत बड़ा हो जाए और मैं भी बहुत बहुत सारा काम करके और ज़्यादा न्यूज़ आपको दे पाऊँ। अभी रिसेंटली आपका सूट को लेके जो बात कर रहे थे, इसके साथ साथ और एक नया सूट भी होने वाला है ना आपका? यस, एक्चुअली आज शूट है और आफ्टर 6 PM फिर से जाके और एक शूट कंप्लीट करना है, तो थोड़ी बहुत हेक्टिक है आज स्केड्यूल, तो देखते हैं। थैंक यू सो मच। शूटिंग फॉर एन एड सिद्धा ग्रुप का, आई डू वेरी लेस एड्स, आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर एंड हेंस आई एम हियर शूटिंग फॉर इट। अभी तक आपका क्या क्या शूट हुआ है अभी तक आज? अभी तक स्टिल शूट हो गया है होर्डिंग के लिए, और अभी जो एड है मतलब TVC है उसका शूट चलेगा। जब बात शूट का होता है तो नया आपका प्रोजेक्ट्स को लेके बात हो जाता है, आपका नया प्रोजेक्ट जो आ रहा है उसके बारे में तो बोलिए। आई एम शूटिंग फॉर वेब सीरीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो रिलीज करेगा जून को, और उसके बाद दिस मंथ आई एम शूटिंग फॉर अनदर वेब सीरीज एंड मे महीने में और एक वेब सीरीज शूट करूँगा। वैसे तो आप बंगाली प्रोजेक्ट्स में तो कर ही रहे हैं, अब जब हिंदी इंटरव्यू दे रहे तो आपका नया हिंदी प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हो गया है शूट, वो अमेज़न का अमेज़न के लिए एक वेब सीरीज़ है मेरा, वो जल्दी आएगा। अगर मैं बात करूँ योर टाइम भी कोलकाता न्यूज़ के जो ऑडियंस है उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? आई विल टेल देम टू वॉच इट, बी विद देम, सपोर्ट देम एंड वॉच द वीडियोज़। थैंक यू।